तो दोस्तों सैमसंग अपना एक नया स्मार्टफोन इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च करने जा रहा है और इसकी जो लॉन्च डेट वगैरह है वो यहाँ पर 100% कंफर्म हो चुकी है। ये स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पे भी लिस्ट हो चुका है। इस स्मार्टफोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी F23 5G। आज के इस वीडियो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट के बारे में, इस स्मार्टफोन की इंडिया प्राइस के बारे में और इस स्मार्टफोन के कन्फर्म फीचर्स के बारे में। तो फाइनली वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करूँ सैमसंग गैलेक्सी F23 5G स्मार्टफोन के बारे में, तो ये जो स्मार्टफोन है वो इंडिया में लॉन्च होने के लिए 8 मार्च को प्लान किया गया है। 8 मार्च को ये जो स्मार्टफोन इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में दोपहर के 12 बजे अनाउंस किया जाएगा। अगर बात करें इस स्मार्टफोन के सबसे पहले डिजाइनिंग के बारे में, तो डिजाइनिंग पीछे की साइड आपको काफी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। फ्रंट के साइड में वाटर ड्रॉप नॉच आपको दी गई है, तो सैमसंग यार कम से कम सेंटर पंचोल करना चाहिए था इस स्मार्टफोन में। उसके साथ अगर बात करूं इस स्मार्टफोन की कुछ और डिटेल के बारे में, इस स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में, तो अगर बात करें स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में, तो यहां पर जो डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है वो है एक 6.6 इंचेस की FHD+IPS LCD डिस्प्ले पैनल। तो सबसे बड़ी गलती इन लोगों ने कर दी, AMOLED डिस्प्ले यहाँ पर कम से कम होनी चाहिए थी, क्योंकि सैमसंग जो है वो इस स्मार्टफोन को ओवर प्राइज ही लॉन्च करने वाले हैं ये लोग, तो एटलीस्ट कम से कम हमें सुपर AMOLED डिस्प्ले प्रोवाइड करनी ही करनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर FHD+LCD डिस्प्ले पैनल प्रोवाइड किया गया है 120Hz की रिफ्रेश रेट के साथ में। प्रोसेसर के बारे में बात करें तो प्रोसेसर यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है Qualcomm Snapdragon 750G, जो कि एक ओल्ड प्रोसेसर है। यहाँ पर आपको एटलीस्ट कम से कम नया प्रोसेसर जरूर से सैमसंग को यूज करना चाहिए था। कैमरे की बात करें तो आपको 50MP का OIS बेस्ड जो कैमरा है वो पीछे की साइड प्रोवाइड किया गया है, प्लस आपको 8MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का माइक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है। 5000mAh की बैटरी दी गई है जो कि मेरे हिसाब से ठीक है। 25W का चार्जर दिया गया है, चार्जर में लोगों ने कमी कर दी, कम से कम यहां पर 30W या फिर 33W का जो चार्जर है वो जरूर से देना ही देना चाहिए था। Android 12 के सपोर्ट के साथ में ये स्मार्टफोन आता है, जो कि अच्छी बात है। उसके साथ में UI 4.1 का जो सपोर्ट है वो आउट ऑफ बॉक्स आपको देखने को मिलता है। 3.5mm ऑडियो जैक इस स्मार्टफोन में अवेलेबल है। सिंगल स्पीकर दिए गए हैं, कोई भी डुअल स्पीकर या फिर स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट नहीं है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर इस स्मार्टफोन में प्रोवाइड किया गया है। तो दोस्तों ये है पूरे कंफर्म फीचर्स जो कि आपको सैमसंग गैलेक्सी M23 स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। और यहां पर अगर बात करें इस स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में, तो ये जो स्मार्टफोन है इसमें इसकी जो प्राइस है वो कुछ निकल करके आई है 20,000 से 25,000 रुपए के बीच में, जिसमें दोस्तों आपको 4GB RAM 128GB स्टोरेज देखने को मिलती है। तो मेरे ख्याल से आप क्या इस स्मार्टफोन को परचेस करना पसंद करेंगे इन सभी फीचर्स के साथ में, देखते हैं आखिर इंडिया में सैमसंग जो है वो कितनी एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पर सैमसंग गैलेक्सी M23 5G स्मार्टफोन को लॉन्च करता है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है सैमसंग के बारे में, क्या आप सैमसंग के स्मार्टफोन को परचेस करना प्रेफर करते हैं नहीं करते हैं, आप अपना ओपिनियन हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।